नमस्ते, सागर फूड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं भेज मंचूरियन की बेहतरीन रेसिपी। चलिए आप मंचूरियन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हम लिए हैं हरी सब्जी, कुछ लिए हैं इसमें, हम पत्ता गोभी लिए हैं, गाजर लिए हैं, शिमला मिर्च लिए हैं, हरी मिर्च लिए हैं, ठीक है। इसे हमने मिक्सी ग्राइंडर में पीसा है। मिक्सी ग्राइंडर में पीसने के बाद इसमें थोड़ा नमी आ जाता है। जैसे कि मैंने एक सूती कपड़ा लिया है, उसमें इसको डाल के और गाड़ दिए हैं, हम पहले से ही गाड़ के रखे हैं। अब इसमें हम सारा कुछ मिलाते हैं। ये देखिए, हमने मैदा ले लिया है, 2 चम्मच इसमें लगभग मैदा मिला देंगे। मैदा ज़्यादा नहीं मिलाइएगा, नहीं तो मैदा का ज़्यादा टेस्ट आएगा। इसमें हमने लिया है चावल का आटा, थोड़ा चावल का आटा लिए हैं, 1 चम्मच के लगभग हम चावल का आटा डाल देंगे। अब इसमें सारा मसाला डालेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, थोड़ा टमाटो सॉस, थोड़ा सोया सॉस, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा चिली सॉस दे दिए हैं, चिली सॉस दे देते हैं 1 चम्मच के लगभग चिली सॉस। और अगर आप ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम मिला के, इस तरह से हमने इसको मिला लिए हैं, ठीक है। अब इसे छोटा छोटा गोला बना के हम एक प्लेट में रखेंगे। इस तरह से हमें गोला बनाना है, इस तरह से प्लेट में रखेंगे। अब गोला का साइज अपने से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा गोला रखना है। इस तरह से देखिए, अब मेरा सारा गोला तैयार है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ हमने गोला रख लिया, यहाँ मेरा तेल कढ़ाई में गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सारा गोला को डाल देंगे। देखिए, इस तरह से मैंने सब में कढ़ाई में सब बॉल को डाल लिए हैं। अब इसे हल्का लाल भूरा होने तक सबको हम फ्राई करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने सारे गोला को फ्राई कर रहे हैं। गोला लाल, लगभग लाल हो चुका है। इसे हम थोड़ी देर और चलाएंगे। अब हमारा यहाँ पकौड़ा तैयार हो चुका है। इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। लाल हो गया है, थोड़ा थोड़ा जो दिख रहा है कच्चापन, उसे मैंने थोड़ा सा पलट पलट के इसको लाल कर लेते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। से सारे बॉल को हमने एक प्लेट में निकाल लिए। ये देखिए, सारा पकौड़ा मेरा कितना सुंदर खिल रहा है। अब तेल इसमें ज़्यादा बच गया था, हम थोड़ा तेल निकाल लिए हैं, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे, लहसुन तड़क जाएगा, प्याज डालेंगे, प्याज को हल्का भूरा होने तक इसे चलाएंगे। लाल हो चुका है हल्का भूरा। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच। अब इसे थोड़ी देर चलाएंगे। थोड़ा सा हम शिमला मिर्च का रखते हैं, शिमला मिर्च बचा हुआ था, इसको थोड़ा सा डाल दिए शिमला मिर्च,
हरा मिर्च और भी कई कलर के आते हैं, पर मेरे पास ग्रीन कलर का था, हम ग्रीन कलर का डाल दिए। आप येलो या रेड भी डाल सकते हैं। देखिए प्याज लाल हो चुका है, अब इसमें थोड़ा हम सोया सॉस डालेंगे, एक स्पून के लगभग सोया सॉस, इसे हम चलाएंगे। कम कर देंगे थोड़ा चिली सॉस, दो स्पून के लगभग चिली सॉस। टमाटो सॉस, दो तीन स्पून टमाटो सॉस डाल देंगे, तीन स्पून के लगभग हमने इसमें टमाटो सॉस डाले हैं। विनेगर, एक चम्मच के लगभग विनेगर। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। अब इसे थोड़ी देर चलाइए। देखिए इसको अब हम, बहुत सुंदर कलर आया है। इसको चलाते चलाते इसमें थोड़ा सा हम अजीनो डालेंगे, एक चुटकी के लगभग अजीनो डाल दीजिए। बहुत सुंदर कलर आ रहा है। अब इसको थोड़ी देर चला के थोड़ा लाल करके भून लें। ये भुना गया है, अब इसमें हम पानी डाल देंगे एक कप के लगभग। एक कप के लगभग पानी डाल दिए हैं। अब इसमें इस ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए हम यहाँ पे अरारोट डालेंगे। देखिए उबाल आ गया है। अब इसमें हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए हम इसमें अरारोट डालेंगे। एक चम्मच के लगभग हमने अरारोट घोल लिए थे, अब इसको चलाएंगे। उबाल आने तक इसको चलाएंगे। ग्रेवी देखिए कितना सुंदर गाढ़ा हो रहा है। अरारोट ग्रेवी को गाढ़ा करते हैं। देखिए ये अच्छी तरह से मिल गया है। ग्रेवी भी देखिए आपका बहुत सुंदर हुआ है। अब इसमें हम मंचूरियन का गोला डाल देंगे। इसे ज़्यादा देर इसमें नहीं छोड़ेंगे, चंदे से चलाएंगे नहीं। ये आपका मंचूरियन, वेज मंचूरियन तैयार। ये देखिए इसमें थोड़ा धनिया पत्ती डाल दिए, जो कि टेस्ट को दोगुना कर देता है। धनिया पत्ती का टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगता है। अब इसे खाने के लिए सर्व करते हैं। ये अपना वेज मंचूरियन तैयार हो गया। देखिए कितना सुंदर ग्रेवी आ रहा है और कितना सुंदर कलर भी आया है। आप इसे घर पे बनाए और आपको पसंद आए मेरा टेस्ट, तो आप हमें हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए वेज मंचूरियन। आप इसे चावल या नान के साथ खा सकते हैं। नान की रेसिपी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप चाहे तो उसे बनाने के लिए सीख सकते हैं और नान के साथ मंचूरियन को खा सकते हैं। जीरा राइस के साथ भी मंचूरियन बहुत टेस्टी लगता है।